Assalamu alaikum, it's me Fakhzara Kaili and welcome back to my channel. Eid al-Fitr 2024. Alhamdulillah, jitne bhi log rakhe 29 roze hue hain, theek hai, 29 roze hue Saudi Arab mein, kai mumalik mein 30 roze hue, hamare yahan to 29 है और आज हम सऊदी अरब के साथ और कई ममालिक के साथ जो है ईद है एंड बाकी भारत और बांग्लादेश इनका जो है कल ईद है, हमारा आज ईद है, ठीक है ना। सो या अभी मैं ईद मुबारक नहीं होंगी, तो मैं तैयार हो जाऊँगी उसके बाद होंगी, ठीक है ना। सो कल रात को मैंने मेहंदी अप्लाई की थी, जो मैं करना चाहती थी वो हुआ ही नहीं है, सो पता नहीं कैसे हुई है, ठीक है ना। तो मैं आपको बाद में दिखा दी, फिलहाल तो मैं ऐसे दिखा रही, ठीक है ना। 8 बजे उठे, लाइक यू नो, जब आप उठते हो सारे रोज़े रखते हो, उसके बाद फिर आप जब उठते हो, एंड मैंने अभी तक पानी नहीं पिया, ठीक है ना। रात को इतनी भूख लग रही थी, मैंने कहा चलो सेरी अब, मैंने कहा अब सेरी ख़त्म हो गई है, अब सीधा जो है हम सुबह का नाश्ता करेंगे। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा इस रमज़ान में, आपने खूब इबादत की हो और मेरी सीरीज़ आपको पसंद आई हो। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड शेयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि आपका भी वीडियो अपडेट आप मिस ना कर। आप प्लीज़ कीप रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर्स, एंड ऑल्सो रिमेंबर फलस्तीन, गजा, कश्मीर एंड यमन एंड जहाँ भी मुसलमान परेशान हैं उनके लिए दुआ करें। कल था लैलतुल जायज़ा, चांद रात थी, एंड आज है ईद। सो या मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, नाश्ता करना, मैं आपको दिखा रही हूँ क्या करना है, ठीक है ना। आज सुबह की अपडेट ये है कि हम उठ गए 8 बज रहे हैं और हम तैयार हो रहे हैं, ये बाबा भाई तैयार हो रहे हैं जाने के लिए ईद की नमाज़ पढ़ने, और जो है हम नाश्ता देख लेंगे, ठीक है ना, लेट्स गो। और शेरू की बड़ी मस्ती चढ़ी है माशाल्लाह। मगज ये मेरे लिए इसमें आउटफिट और मैं फुल नहीं दिखा रही हूँ, सो मैं आपको फाइनल लुक बाद में दिखाऊंगी। सो सारी सेटिंग वगैरह मैंने घर की कर ली है थोड़ी सी, एंड या मैं तैयार हो रही हूँ, रेडी विद मी शूट करती हूँ, और सेवैया आ रही है, ईदी आ रही है, और मुझे उसके बाद तैयार होने के बाद मुझे मेहंदी लगवानी है, इसमें लगा दी है, इसमें लगानी है, ठीक है ना। पोस्ट पे करना है इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना। सो अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आई हैव 3 इंस्टाग्राम अकाउंट्स, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जी मैं रेडी शेडी हो गई हूँ, आप सबको मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक, हमें याद रखेगा। मैं तैयार भी हो गई, पिक्चर्स मैंने ले लिए और मास्ट प्रेस करती हूँ, कुछ है नहीं, ठीक है ना, मिल गया ईद ही मिल गई है, ठीक है ना। तो खैर आज का पता नहीं क्या सीन है, कैसे करना क्या होता है, और मौसम यहाँ का जो है कभी रेनी हो रहा है कभी धूप निकल रही है, तो कुछ ऐसा ही है। ये है मेरा आज का ड्रेस, एंड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, एंड या अभी थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, और कुछ ऐसे है नहीं कुछ करने को ईद के दिन ऑब्वियसली। ईद मुबारक आप सबको, और कल जो है हमें नींद नहीं आ रही थी बिकॉज हमें एक रूटीन हो गई थी, एक रूटीन एक आदत पड़ गई थी कि आप जो है 3:30-4 बजे तक सो जाओ, उसके बाद फिर जो है आप 4:30 बजे उठो, सहरी करो, उसके बाद फिर सारा आप 6 बजे सो जाओ, ठीक है ना। तो इस वजह से कल मेरे को मेरे भाई को नींद नहीं आ रही थी, तो हम ऐसे ही बैठे बैठे रहे, आँखें बंदी पर नींद नहीं आ रही थी। वह एक दूसरे से मैं उससे पूछ रही, टाइम बताओ कितना हुआ है, तुम अभी तक सोए नहीं हो, क्यों नहीं सोए हो, ये वो, तो नींद नहीं आ रही ये वो, तो ये था। तो हम ऑलमोस्ट 4:45 बजे तक सोए हैं, उसके बाद फिर 7:30 बजे उठ गए हैं, तो अभी जो है 12:30 बज गए हैं, 1 बजने वाला है, ठीक है ना। तो या एंड ईद अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ईद अल फितर 2024 इट इज़। अभी तक मैंने एडिटिंग नहीं की है ना ही मैंने पोस्टिंग भी लगाई, सो वो काम मैं कर लेती हूँ अभी, ठीक है ना। ओके सो अभी हम सोचा बैठे हैं क्या करें ईद पे दिन, तो हमने सोचा कि हम अपने मामा के घर जाते हैं, सो लेट्स गो टू मामा हाउस। या गाइस हेलो, ईद मुबारक। मैं आ गई हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा बैठेंगे, मेरी एडिटिंग नहीं हुई है तो पोस्ट भी पता नहीं कब होगी, कल होगी, आज होगी, पता नहीं, आज ना हो, सो आज से लास्ट है ऑब्वियसली, नहीं 2 दिन है। हेलो
हेलो गाइस, तो मामा के घर से मैं आ गई थी। उसके बाद जो है फिर हम आ गए थे, उसके बाद फिर हमारे बड़े मामा आए थे, बड़े मामा आ गए। उसके बाद अब मैंने पिक्चर्स वगैरह खिंचाई है, आपको जो है इंस्टा पे देखने को मिलेगी सुबह जगह, और मैं इंस्टाग्राम। ओके, गर्मी बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। ठीक, फिर अभी हम ये तैयार होगी, अब तैयार होगी, मैंने पिक्चर्स वगैरह खिंचा लिया, पोस्ट करूँगी, एडिटिंग करूँगी, ठीक है ना, ये दो काम करूँगी और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। बहुत गर्मी है, बहुत। सो आई होप आप सभी की ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। सो या शेरू ने इतना 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 मामा के सामने इतना वो उछल रहा था बदतमीजी। अब जाके सोएगा। ए बेटा, ये शर्ट आई है ईद का ड्रेस, इसने भी पहना था, ठीक है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगी, फिर याद होगा तो मैं दिखाऊंगी। सो फिलहाल तक तो ये है, मेरे बहुत देर हो रही है। सी यू सो। मुबारक ईद मुबारक। क्या मैंने जो है एडिटिंग की, एडिटिंग की करने के बाद जो है मैंने लंच किया, लंच करने के बाद पहली बार लंच किया आफ्टर रमदान ऑब्वियसली। सो वेल, एंड तस्वीर फिर से मैंने थोड़ा सा अच्छा वगैरह किया, उसके बाद तस्वीर वगैरह खींची, इसकी तस्वीर खींची। सो अभी प्लान ये है कि हम अपने कज़न के घर जा रहे हैं, वहाँ पे तस्वीरें अच्छी आएंगी तो वहाँ पे हम जाएंगे। उसके बाद फिर हमारा कज़न्स गेट टुगेदर है यहाँ पे, तो हमारा जो है ईद सेलिब्रेशन स्टार्ट होगा। अभी हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे और चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। सो वेल एंड या, सो ईद मुबारक यू ऑल। आई होप आप सबकी ईद बहुत अच्छी जा रही होगी, ठीक है ना, मेरी भी बहुत अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत और मशक्कत के बाद जो है फैमिली पिक्चर भी निकल गई है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। सबको अलग अलग से बुलाओ, अलग अलग से बुलाओ, सबको इकट्ठा करना, इट्स लाइक बहुत बड़ा काम है। सो खैर, फैमिली पिक्चर भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। सो अभी हम वेट कर रहे हैं अपने कजन्स का, जब आएंगे तो उसके बाद फिर हम ईद सेलिब्रेशन करेंगे इंशाल्लाह। ईद मुबारक यू ऑल, ईद ईद उल फितर 2024। सो अभी मेरे छोटे मामा आए, सो खैर, एंड कज़न भी आई है, तो उसके साथ हम थोड़ा सा गपशप करेंगे और खाते जो भी आ रहा है खाते जा रही है, ठीक है ना। मामा वाले आए, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में इंशाल्लाह। अभी मेरे कज़न्स वाले आए हैं, ठीक है ना, गुप्पू की बेटी हैं, ठीक है ना, अच्छा वाले आए थे, ठीक है ना, और बहुत मज़ा आया, थोड़ा सा रौनक रौनक लगी हुई थी यहाँ पे। सो अभी मैं क्या करती हूँ, अभी हम जो है शायद लूडो खेलेंगे या कुछ जो है, हमने कुछ स्नैक्स वगैरह मंगवाए हैं, ठीक है ना, तो वो हम खाएंगे और लूडो खेलेंगे, कुछ मस्ती करेंगे, पिक्चर्स वगैरह हमने ले ली है। उसके बाद जो है फिर हम देखते क्या करते हैं, और फिर अब जैसे जैसे शाम होती जा रही, रात होती जा रही है, तो फिर सब लोग भी आ रहे हैं, एंड हमें ईदी भी मिली है, इस साल ईदी मिल रही है, पिछले साल हमें नहीं मिली थी इतनी, जो अभी मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड बच्चे लोग जो है सारे बाबा वाले सब गए हैं, फिर घर जाएंगे पप्पू वालों के घर, उसके घर, उसके घर, उसके। सो वो होगा, हम बड़े हो गए तो हम घर में ही हैं अब, तो नहीं तो हम बचपन में जाते थे, फिलहाल तो नहीं जा रहे। सो फिर सबको बाकी डबल चक्का एक कारण है ना, प्रैंक कॉल्स। तो हमने पाती शादी की, हमने गेम्स खेले, हमने कुछ स्नैक्स खाए, उसके बाद फिर हमने कोई गपशप वगैरह की, प्रैंक कॉल्स किए, सो ये सब हुआ है। उसके बाद फिर जो है हमने बहुत भूख लगी, हमने ऑर्डर किया है कुछ, एक घंटा हो गया अभी तक नहीं आया है, बट स्टिल थोड़ी देर में आएगा। उसके बाद जो है फिर हम कुछ खाएँगे, बहुत थक गए हैं, सिर्फ चार घंटे की पता नहीं इतनी नींद हुई है, और ऊपर से 10 बजे का किया हुआ मेकअप है, तो उस वजह से बड़ी नींद आ रही है। सो आई जस्ट वॉन्ट कम्फर्टेबल, थोड़ा सा कम्फर्टेबल जो, बट खैर अभी चाचू वाले भी आएंगे, एक और कज़न आ गई हमारी। सो खैर, मेरे सो रहा था अच्छे से, सो ईद अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, हालांकि हमारे पास है खाने को, बट जो क्रेविंग्स है उसके लिए हम नहीं करना चाहते। अभी हम जा रहे हैं अपने मामा एक वहाँ से कुछ लेना, सो अभी चलते हैं, आप भी भूख लगी तो सजा से हम कुछ ले रहे हैं। So you have pizza from the Pizza Hut. So अभी हम तैयार हो गए हैं, अभी हम जा रहे हैं, रात को लिटरली 11 बजे और अभी हम जा रहे हैं बुक्कू के घर। बुक्कू की बेटी की बड़ी छोटी बेटी की शादी हो गई थी ना रमजान से पहले, तो उससे मिलने जा रहे हैं हम। सो हम रेडी शेडी हो गए, बाकी हम सारा मिल के कजिन वगैरह मिलते हैं, हमें रेडी शेडी अभी हम जा रहे हैं। लेट्स गो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन था, आई मीन आफ्टर 2 साल बाद जो है हमने ऐसी ईद सेलिब्रेट की है, यूजुअली हम ऐसा नहीं करते हैं, आई मीन पहले हम करते थे, उसके बाद फिर हमने कोविड आ गया था, कोविड की वजह से हमने नहीं किया। उसके बाद फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी महफिल जमी हमारे घर पे, सो बड़ा मज़ा आया, एंड सब आए थे, सबसे मिले, और स्पेशली आज वो याद पुरानी जो बचपन में हम जाते थे ना पप्पू के घर, उसके घर, उसके घर, तो वो खैर हम किसी के भी घर नहीं गए, सिर्फ आज के दिन भाई घर गई थी,
दो बार मामा के घर गई हूँ और उसके बाद अभी हम लास्ट में पप्पू के घर गए थे क्योंकि पप्पू की छोटी बेटी की शादी हो गई थी रमज़ान से पहले ही, तो उनसे मिलने गए थे आफ्टर रमज़ान, आई मीन इट वॉज द फर्स्ट मीटअप आफ्टर शादी या सो वहाँ पर पहले बहुत आया शादी की एंड थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह खिंचाई, वेरी टायर्ड, हम सब बहुत ज़्यादा थक गए लिटरली एंड बस अब मैं ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, रमज़ान ख़त्म हो गया, अलविदा हो गया, बस अब ईद का पहला दिन भी ख़त्म हो गया, दूसरा दिन तीसरा दिन देखते हैं क्या होता है, स्टे कनेक्टेड फॉर दैट, मैं मिलती हूँ आपसे कल इंशाल्लाह, मेहंदी लगवानी थी आज मुझे टाइम नहीं मिला ठीक है ना, सो अभी मैं कुछ खाती पीती थोड़ा सा रेस्ट करूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।